किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे घरडा कंपनी के टैम प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि गेहूं की फसल के अंदर स्प्रे चल रहे हैं मंडोसी के, काफ़ी जगह पे अभी कुछ दिन बाद चलेंगे, तो बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ घरडा कंपनी के टैम प्रोडक्ट के बारे में, किसके अंदर टेक्निकल क्या है, कैसे ये काम करती है, कौन कौन से घास को मारती है, तो किस तरह से आप लोग इसका इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कितने रुपए की आपको पड़ती है, तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त रामेहर और स्वागत करता हूँ आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं घरडा कंपनी के टैम प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। किसान भाइयों, ये एक हर्बिसाइड है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जिसका इस्तेमाल आप गेहूं की फसल के अंदर मंडूसी या गुली डंडे की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, टेक्निकल की इसके अंदर बात करें तो फिनोक्साडीन 5.1% इसी फॉर्मुलेशन में होता है किसान भाइयों। तो आपको बता दें कि आप जब अपनी गेहूं की फसल के अंदर इस टेक्निकल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो ये जो टेक्निकल है मार्केट के अंदर बहुत सारे नाम से आता है। जैसे अगर हम बात करें पीआई का मेलसा आता है, सिजेंटा की एक्जिल आती है जो ब्रांड नेम है, तो बहुत हर कंपनी का तकरीबन आपको ये टेक्निकल देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। जो आपको अच्छा लगे, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप लोग वो लेके आ सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि किस टाइम पे आपको इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, वैसे काफ़ी सालों से जो गुली डंडा है, जो मंडूसी है, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है। हम तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें इतना फ़ायदा नहीं देते हैं। अगर हम ज़्यादा मात्रा में उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने पहली वीडियो बनाई है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, कि हम जब हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम सही तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो भी वीडियो मैंने बनाई है पहले चैनल के ऊपर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इसका किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। देखिए, इस्तेमाल का इसका सही टाइम होता है, जैसे आप लोगों ने पहला पानी लगा दिया अपनी गेहूं की फसल के अंदर, तो गेहूं की फसल के अंदर पहला पानी लगाते ही पैर टिकने जब लग जाए, नमी आपके खेत के अंदर पर्याप्त हो, आप तब इसका इस्तेमाल कीजिए टैम का। किसान भाइयों, स्प्रे के रूप में आप लोग 150 लीटर पानी का इस्तेमाल कीजिए इसके अंदर। तो जब आपकी फसल के अंदर 3 से 4 पत्ती की अवस्था में ही होती है मंडूसी, तो उस टाइम पे अपना काम बेहतर करेगी और 100% आप मंडूसी का खात्मा कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल के अंदर से। किसान भाइयों, बात करें इसकी डोज की, तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है टैम का अपनी गेहूँ की फसल के अंदर। अगर आप लोग चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा मात्रा में मंडूसी देखने को मिल रही है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके साथ में क्लोडिना मिला सकते हैं, यानी कि टॉपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक का कॉम्बिनेशन और टैम का कॉम्बिनेशन करके आप लोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर छिड़काव कर सकते हैं मंडूसी की रोकथाम के लिए। किसान भाइयों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस टेक्निकल की, तो इस टेक्निकल के अगर हम रेट की बात करें, तो आपको मार्केट के अंदर अलग अलग तरह से अलग अलग कंपनियों का जो ये टेक्निकल आता है, तो अलग अलग मार्केट के अंदर मिल जाता है। मार्केट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अगर मैं टैम की बात करूँ, तो टैम आपको 650 या 670 रुपये मार्केट के अंदर, जो 400 ml की पैकिंग होती है, वो मिल जाता है। अगर आप बड़ी पैकिंग लेते हैं, तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पैकिंग डिफरेंस, वो भी आपको रेट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लग सकता है। तो यही सब था किसान भाइयों घरडा की टैम के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।